बार विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है। चुनाव से पहले एनडीए में तकरार लगातार चल रही है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चिराग के तेवर कुछ अलग ही संकेत देते हुए भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि एनडीए के सभी दल बिहार चुनाव के अखाड़े में एक साथ उतरेंगे। बीजेपी के जेपी नड्डा ने पटना में बिहार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने यह बात साफ कर दी कि बीजेपी और एलजेपी नीतीश कुमार की देखरेख में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं अवसरवादी राजनीति की मोहर लगवा चुकी एलजेपी ने पिछले कुछ हफ्तों में लगातार बीजेपी और जेडीयू के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश तो की है, लेकिन एलजेपी के तेवर को ना तो बीजेपी कोई तवज्जो दे रही है और ना ही जेडीयू। ऐसे में चिराग पासवान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सुलह करने के लिए तैयार होंगे। यह अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान ने एक निजी चैनल पर कहा कि जैसा बीजेपी कहेगी वह वैसा ही करेंगे। पासवान के इस बयान से यह तो साफ हो गया कि पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी सुलह के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि बीती रात को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के जाने माने दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद की रात 12 बजे काफ़ी तबीयत खराब हो गई। उन्हें रात को 12 बजे वेंटिलेटर पर रखा गया। बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद के शरीर में सोडियम की कमी और रक्त संचार नहीं होने की सूचना मिली है। गौरतलब यह भी है कि हाल ही में रघुवंश प्रसाद ने आरजेडी को इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं बिहार के विधानसभा चुनाव भी अब जल्द से जल्द नजदीक आने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने के लिए लगातार जुट गई हैं। बता दें कि चुनाव से पहले बिहार के दिग्गज नेता आरजेडी का दामन छोड़ चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो वहीं बिहार चुनाव जिस तरह से पास आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी ताकत इस चुनाव में चुनावी दंगल में झोंकने के लिए तैयार हो गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसका सिक्का जनता के ऊपर चलता है, जनता किसको वोट करती है और किसको बिहार के दंगल का ताज पहनाकर बिहार की राजनीति के सफर का राजा बनाती है।